जो सांस्कृतिक भाषा दिवस है, हम सब मुख बजे ये गणपति भगवान को दर्शन करने आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुख बजरों की जो भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा मिले, यही हमारी कामना। धन्यवाद। सांकेतिक भाषा दिवस है, ठीक है। गणपति भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। भट्टा मंदिर के पुजारी प्रशासन जो है उनको धन्यवाद, और इंदौर के कलेक्टर साहब को थैंक यू कि आप हम सब यहाँ पर आए हैं और आज मुख बजरों की सांकेतिक भाषा है उसको जिम्मेदारी करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू। आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है, हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने गीता भूपदे लड़की का घर ढूंढने में मदद करी जो कि असंभव कार्य था, वैसे ही आज हम प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे मुखपत्रों की भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले। थैंक यू। गणपति भगवान को प्रणाम। आ जाओ। मुखपत्रों की भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। थैंक यू। ऐसे थोड़ा सा तिरछे पंडित जी, इनको तिरछा करो थोड़ा सा, हल्का सा यूं तिरछा, पीठ हो रही ना पीछे, थोड़ी हल्के तिरछा करो सब लोग। आज ए इशारा सब लोग, आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है, सब लोग गणपति जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारी मूक बधिरों की भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले, और ये प्रार्थना है और पंडित जी को प्रणाम। आप पंडित जी को प्रणाम कर रहे हैं, पूरे मंदिर प्रशासन को, और हमारे साथ इधर भी लायंस क्लब ऑफ इंदौर शताब्दी की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, सभी बच्चे भी हैं और ये सारे बच्चे हैं, और पंडित जी अच्छा जो है इनका सम्मान कर रहे हैं, सारे बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। मृणालिनी शर्मा मैडम हमारे साथ हैं, कमल जोशी और नीलम और सभी लोग हमारे साथ हैं, विकास जोशी और आकाश ये मुखबधिर बच्चे हैं, कई बच्चे इसमें से अनाथ भी हैं मुखबधिर के अलावा, मुखबधिर के साथ बाकी बच्चे पंडित जी अंदर नहीं कुर्ती खाली करके थोड़ा उनको भी देखो, बाकी बच्चे आ जाओ, बाकी एक मिनट वो वाले बाहर ले लो, दूसरे अंदर चले जाओ। उनको कैसे समझा, इधर कर लो ना फेस तो थोड़ा।